देखिए आज बात करेंगे कुछ डॉक्टरों से चंदन हॉस्पिटल में, जो कि हार्ट का और नेत्र का 3 दिवसीय चंदन हॉस्पिटल में कैंप लगा हुआ है। हम बात करते हैं कुछ डॉक्टरों से जो कैंप लगाए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार पांडे है जी, और मैं चंदन हॉस्पिटल में ऑब्स्टेट्रिक डिवीजन में काम करता हूँ और यहाँ पर अपने काम को अंजाम दे रहा हूँ लोगों की। कैंप के बारे में कुछ बता दीजिए, जो आपके हॉस्पिटल में 3 दिवसीय कैंप चल रहा है इसके बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। जी, ये कैंप हम लोग ने ऑर्गेनाइज इसलिए किया कि आँखों की समस्याएं काफ़ी होती हैं, आप लोगों को पता है आई डिवीज़न हमारा है, तो ये मेरा दायित्व था चंदन हॉस्पिटल खुलने के बाद कि मैं जो आई की फैसिलिटीज़ हमारे आई डिपार्टमेंट की जो फैसिलिटीज़ चंदन हॉस्पिटल ने दे रखी हैं उनको लोगों तक पहुँचाऊँ और बताऊँ। तो इस नाते हमने आई कैंप भी लगाया और ये एकदम सही समय है जब लोग अपनी आंखों के सर्जरी के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए जो है इधर उधर भटका करते हैं, खास करके किसी गलत जगह चले जाते हैं। तो हमने कहा कि ये सही समय है पॉपुलेशन को अवेयर कराने का कि जो अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स हैं, कैपेबल डॉक्टर्स हैं, स्किल टीम है, प्रोफेशनल डॉक्टर के अलावा भी कुछ लोग हमारी टीम में होते हैं जो पूरी जाँच को करते हैं, तो लोग हमारे पास आएँ। और हमने इसके लिए निःशुल्क ये कैंप शुरू किया है, करीब एक दिवस एक सप्ताह ही हमारा कार्यक्रम चलेगा। कितने पेशेंट आ रहे हैं लगभग रोज? प्रतिदिन बताते हुए हर्ष होता है कि करीब हम लोग 100 का आंकड़ा रोज पार कर रहे हैं, एंड कल भी हमने 112 पेशेंट करीब देखे हैं और आज भी उम्मीद है कि देखिए। एंड अभी तक अभी 10-11 बज रहा होगा। हाँ जी, तो लगभग कितने पेशेंट आ चुके हैं अभी तक? अभी तक तो हमारे पास करीब 7 से 8 पेशेंट की रजिस्ट्रेशन है, बट क्योंकि सर्दियां चल रही हैं तो लोग हमने आमतौर पर देखा कि 11 बजे के बाद से घरों से निकलते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। देखिए, हम बात करेंगे आज डॉक्टर दीपक कुमार जी से, और ये चंदन हॉस्पिटल में है, ये 3 दिवसीय कैंप लगा हुआ है यहाँ पे हार्ट का और नेत्र का भी। हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि आज हार्ट के विषय में कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरीके के पेशेंट यहाँ पे आए हैं आज और कितने पेशेंट आज इन्होंने देख लिया। सर डॉक्टर, मैं डॉक्टर दीपक तिवारी जी। अभी यहाँ हृदय और नेत्र का निःशुल्क परामर्श शिविर लगा हुआ है। अभी 3 दिनों में, पिछले 3 दिनों में करीब 200 मरीज हार्ट के आए हैं। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो अभी तक जिनका हाइपरटेंशन डिटेक्ट नहीं था, नए हाइपरटेंशन पता चला, जाँचों में नई डायबिटीज पता चली। जहाँ तक इनसे बचाव का सवाल है तो नियमित जीवन शैली 24 घंटे में कम से कम आधा घंटा खुद के लिए व्यायाम के लिए निकाल सके। अभी जंक फूड अवॉइड करें, फ्राइड फूड अवॉइड करें, ज़्यादा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस ना करें, और अगर कोई डिजीज डायग्नोज होती है तो उसकी तुरंत इलाज और रोकथाम। कभी कभी डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि एकदम से हार्ट में अटैक होता है और उस कंडीशन में जैसे पेशेंट यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो वैसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो हार्ट अटैक की सिम्टम होते हैं उन्हें पहचानना चाहिए। कई बार छाती में दर्द, कसाव महसूस होता है, एकदम से कोई छाती के बीच में कसाव महसूस होगा, सांस फूल सकती है, पसीना आ सकता है, घबराहट हो सकती है, उस समय हो सके तो किसी से अगर एम्बुलेंस हो सके तो एम्बुलेंस को कॉल करें, हॉस्पिटल कॉल करें, 102 से कॉल करें, और अगर आपके पास कोई परिवार में है तो 4 गोली एस्पिरिन की ले सकते हैं, सोलोडेट ले सकते हैं और तुरंत अपने हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। सेल्फ मेडिकेट करने की कोशिश ना करें, जितना जल्द हो सके स्पेशलिस्ट के पास पहुंचें। अच्छा, आजकल जैसे कि जो दौर चल रहा है इसमें बहुत मतलब हार्ट का बहुत ज़्यादा ही आजकल बीमारियाँ देखने को मिल रही हैं, तो क्या क्या सावधानियाँ कुछ ऐसी टिप्स दे दीजिए? जैसे खाने में ऑयल वगैरह बहुत आजकल आदमी यूज़ करता है, इस तरीके का कुछ कैसे ना यूज़ करें, उसमें क्या बढ़िया यूज़ करें? देखिए, जैसे सुबह सुबह नियम से सोएं, नियम से उठें, सुबह उठें तो कम से कम आधा घंटा अपने लिए व्यायाम के लिए निकालें, उसके बाद दिन की शुरुआत फ्रेश फ्रूट से करें, कम ऑयली नाश्ता करें। तेल की जहाँ तक बात है तो हो सके तो आपका सोयाबीन ऑयल, सफोला ऑयल, कैनोला ऑयल, ये सब यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल अगर यूज़ करते हैं तो डीप फ्राई के लिए यूज़ मत करें। उसके बाद दिन भर में भी ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, ठीक है, प्रॉपर वॉक रखें, यही सारी चीज़ें हैं। दिन भर में जंक फूड अवॉइड करें, लेट नाइट आवर्स में स्नैक्स अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा फ्राइड और ऑयली स्नैक्स जैसे बाहर लोग खा रहे हैं आजकल यंग जनरेशन, वो अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा यूथ में अब बढ़ने लगा है, 25% जो हार्ट अटैक इंडिया में होते हैं वो 40% से कम युवकों में देखे जाते हैं, तो उसका मेन कारण फिजिकल मेंटल स्ट्रेस और ऑड आवर्स में ऑयली एंड फ्राइड स्नैक्स बहुत कॉमन है। ठीक है, जैसा कि हमारी बात हुई डॉक्टर दीपक तिवारी जी से, और बहुत ही अच्छा इन्होंने एक संदेश दिया है कि हार्ट का जो मरीज होता है उसे व्यायाम करना बहुत आवश्यक है, पूरे दिन में आधे घंटे 1 घंटे जरूर वो टाइम निकाले मॉर्निंग के टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखिए, मौजूद है चंदन हॉस्पिटल में एक और डॉक्टर साहब के पास, जहाँ पे हमने आपको बताया अभी कि 3 दिवसीय कैंप लगा हुआ है नेत्र और हार्ट का।
तो हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से, नेत्र विशेषज्ञ हैं ये, और हम बात करेंगे बच्चों में आजकल देखा जाता है कि बहुत ही कम उम्र में चश्मे लग जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आँख के विषय में होगी, मैं इनसे बात करता हूँ। डॉक्टर विशाल जसवाल जी, सर आजकल किस तरीके का पेशेंट ज्यादा आ रहा है? देखिए हम लोग की ओपीडी में जो मैक्सिमम पेशेंट्स आते हैं वो मेनली रिफ्रैक्टिव एरर में चश्मे के नंबर वाले आते हैं, तो लोगों में यूजुअली जो है इस बात को लेकर बहुत जागरूकता नहीं है। चश्मे का नंबर जो है हर एक ग्रुप में कॉमन है, बच्चों में भी, मिडिल एज में और एडल्ट्स में भी, बट जनरली लोगों में अवेयरनेस नहीं होती है और वो या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर जो हमारे जो सामान्य तौर से जो ऑप्टिकल शॉप्स वगैरह होती हैं वहाँ पर वो चले जाते हैं जहाँ पर कि पूर्ण कंप्लीट जांच नहीं होती है आपकी, तो उसमें कई बार गलत नंबर मिलने की भी संभावना रहती है। तो ऐसे में मैं यही लोगों से आह्वान करता हूँ कि जो है आप रेगुलरली अपनी आँखों की जांच कराएं, क्योंकि आँख जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा सेंसरी ऑर्गन है, और इसमें अगर यदि कुछ टाइम निकल जाता है तो बाद में फिर नुकसान होने की संभावना रहती है। बच्चों में खासतौर से यदि जो है अपने 8 साल तक की उम्र जो होती है उस बहुत ही क्रूशियल होती है, क्रिटिकल होती है, उस समय तक अगर यदि आपने सही से बच्चे की आँख की जांच नहीं कराया है तो यदि कोई अधिक नंबर है उसकी आँख में और उसने समय से नहीं पहना है तो एक इरिवर्सिबल कंडीशन जिसको एम्ब्लायोपिया बोलते हैं वो हो जाती है, और उसमें फिर विजुअल रिकवरी भी दिक्कत होती है। तो इसलिए समय पर अपने बच्चों की भी और हर एज ग्रुप के लोगों को अपनी समय से अपनी आँखों की जाँच करवानी चाहिए। जैसे कि आजकल पॉल्यूशन बहुत है और सड़क पर जब चलते हैं तो आँखों में जो है बहुत ही धूल उड़ता है, और उससे भी बहुत, जैसे कि मैं ही बता रहा हूँ, मैं जैसे रात में सोता हूँ तो बहुत सारे कचरा निकलता है, इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं, तो इनको क्या करना चाहिए, सरल उपाय बता दीजिए जो आदमी घर में भी यूज कर सके। देखिए धूल गर्द और पोल्यूशन से मेनली जो है दो तरह की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, जैसे कि एलर्जीज, आँखों की एलर्जी, और दूसरा है मेनली ड्राई आई सिंड्रोम। तो इसका हल तो देखिए कुछ है, यही है कि हम लोग जैसे बाहर निकलें तो धूप का चश्मा इस्तेमाल करें, जो बाइक ड्राइवर्स हैं वो अपना जो है हेलमेट का प्रयोग करें, तो आँखों को कवर्ड रखें इस तरह से, तो धूल का उसका प्रकोप कम होगा। और अपनी आँखों को जो है मतलब जब आप कहीं से आएँ वापस तो अपनी आँखों को साफ पानी से उसको धोएँ, और यदि कोई दिक्कत होती है जैसे आँखों में कुछ परेशानी होती है, गड़न होती है, चुभन होती है, तो उसके लिए एक बार डॉक्टर से।